स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे और हम लोग आज फिर एक नए टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि सो लेट्स स्टार्ट सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया ये वाला सीड बेस्ड नेचुरल रीजनरेशन राइट हम लोगों ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में और आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे नेचुरल रिजनरेशन बाय वेजिटेटिव मीन्स सो लेट स्टार्ट सो नेचुरल रिजेनरेशन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ओके तो ये इसके हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल रिजेनरेशन वेजिटेटिव पार्ट से भी हो सकता है वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि क्या uh, जो भी प्लांट्स के भाग है जो पे, जो आ, आपके पौधे के भाग है लाइक द प्लान पार्ट्स या प्लान बॉडी राइट जैसे कि स्टेम हो गया राइट स्टेम शूट्स एंड देन लाइक ऑल दोस्ट सो जो भी मतलब वेजिटेटिव uh, रिप्रोडक्शन ये मतलब यहाँ पर uh, लाइक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है के ऑफ डिफरेंट लाइक फ्रॉम डिफ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द प्लान बॉडी ठीक है एग्जाम्पल यहाँ पर आ, ये मैंशन किया गया है जैसे कि पेड़ ना कॉपिक से जो कॉपिक ये है प्रोसेस है उससे हो सकता है या फिर रूट सकर से या फिर रूट से राइट right. लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का के okay, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर बस दो मेंशन किया गया है लेकिन तीन है इट्स ऑल इट्स ऑल थ्री ओके थ्री सो सबसे पहले है कॉपिक कॉपिक के अंदर भी चार टाइप्स हैं ओके okay? चार इसको चार भागों में ये डिवाइड किया गया है कॉपिक को भी ओके okay? सो so, हम लोग इसमें अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसके बारे में और दूसरा है रूट सकर ओके okay, और तीसरा लाइक मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर लेकिन तीसरा भी है और वो है राइजोम ओके लाइक फ्रॉम दिस वन नेचुरल रीजनरेशन बाय राइजोम सो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन सो यहाँ पर देख आप देख सकते हो के यू कैन सी हियर दिस वन ये राइट uh, साइड right से ये यूकेलिप्टस है यूकेलिप्टस रीजनरेशन ओके okay. ये तो लाइक uh, कंटेनर uh, uh, like में है लाइक यू कैन से इट्स इन अ पॉट पॉट में है सो so, कैसे एक ब्रांच से ये ब्रांच है और यहाँ से मतलब साइड साइड से कैसे मतलब बड रिप्रोड्यूस हो रहे हैं जो है कैसे ग्रोथ हो रहा है रीजनरेट हो रहा है ओके okay? तो जो बहुत सक्सेसफुल uh, ये रीजनरेशन होता है ओके okay? इट्स बाय लाइक इट्स दिस इज एग्जांपल एक्चुअली कॉपिक का ये कॉपिक का एग्जांपल है ओके okay? ये कॉपिक का एग्जांपल है लाइक like, कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले है कॉपिक चार लाइक देर आर फोर टाइप्स ओके जो हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन ये मतलब कॉमन वाला है ओके जब आप पेड़ काटते हो लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में ये पिक्चर है पहला के, कैसे पेड़ लाइक कटा हुआ पेड़ यहाँ से फिर ग्रोथ हो रहा है वैसे ही यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिया यूकलिप्टस का ओके okay? सो so, बहुत सारे स्पीशीज बहुत सारे स्पीशीज़ है पेड़ के के जो मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है उनका कि मल्टीप्लाई होता है किससे इससे इस प्रोसेस से कॉपिक से ओके okay? और इस लाइक मेथड में जो कॉपिक मेथड है ये वेजिटेटिव लाइक इट इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के यू कैन डू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओके बाय दिस कॉपिक यहां पर जैसे कि मैंने फिर मतलब आई विल जस्ट मेंशन अगेन लाइक यू कट द एंड ऑफ द स्टेम काटते हो ओके okay, जो uh, ये स्टेम uh, है एंड तक right, उसके लाइक नॉट ओनली दैट लेकिन जो पेड़ भी है ओके इज़्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि बस हाँ uh, पेर में ही मतलब लाइक यू कैन डू कॉपिक ऐसा नहीं है बट जो भी मतलब आपका प्लान है राइट लाइक यू कैन जस्ट प्रैक्टिस लेकिन uh, जो कॉमन है कि जो कॉमन प्लान है uh, जिसमें कॉपिक सक्सेसफुल है वो है यूकेलिप्टस और टीक uh, टी ती ई ए के टीक के ये बहुत ये भी बहुत कॉमन है आई आई डोंट नो यहाँ पर जो का कॉमन लैंग्वेज है क्या बोलते हो लाइक आई डोंट नो वट डे कॉल इन इन योर कॉमन लैंग्वेज ओके दैट ट्री सो बट इफ़ यू सी यू विल नो सो टीक यू कैलिपटस ओके आई लंथस सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल मतलब बहुत ये इसमें बहुत सक्सेसफुल होता है कॉपिक जो कॉपिक मेथड है राइट right? लेकिन कॉपिक भी जो कॉपिक मल्टीप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है सीजन में भी जो भी सीजन है ओके जो भी मतलब ये अगर बारिश का लाइक मतलब बारिश का मौसम है या फिर गर्मी का मौसम है ठंड का मौसम है लाइक ये डिपेंड करता है मौसम में और जो साइज़ है शूट का ओके शूट का या फिर जो एज है ओके एज राइट सो so, और जो वहाँ पर जो जो जहाँ पर आप कॉपिक मेथड करना चाह रहे हो वहाँ का जो सिल्वी कल्चरल सिस्टम है कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है ओके okay? और इवन जो वहाँ पर रोटेशन होता है राइट right? और वहाँ पर जो कॉप कॉपिक वाला एबिलिटी है राइट right? सो so, ये इस पर डिपेंड करता है के okay? मौसम में साइज में एज में ठीक है जो वहां के पेड़ है सो इट डिपेंड्स ऑन दिस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ओके हम लोग रूट सक्कर में नहीं जाएंगे पहले अब जो चार टाइप्स है ओके okay? मतलब जो uh, कॉपिक है जैसे मैंने बोला कि चार भाग में किया है सो so, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सो लेट्स कम टू दैक्स्ट स्लाइट सो बेस ऑन द नेचर सो बेज ऑन द नेचर ऑफ द कॉपिक जो कॉपिक का नेचर है उस पर मतलब लाइक उसको देखते हुए ओके जिसका नेचर है कि मतलब सक्सेसफुल होगा कि नहीं या फिर जो भी मैंने अभी आ, ये प्रीवियस स्लाइड में जो बोला कि जो कॉपिक मल्टीप्लिकेशन भी है वो डिपेंड करता है आ, कुछ कुछ आ, ये चीज़ों में जैसे कि मैंने बोला मौसम हो गया और राइट और जो साइज़ है और जो एज है ठीक है सो so, जो साइज और एज है पेड़ का के और वहाँ पर जो सिल्वी कल्चरल सिस्टम है ये सब को देखते हुए के और जो नेचर है कॉपिक का सबको देखते हुए नेचुरल रिजेनरेशन लाइक इ्स क्लासीफाई इन टू टू टाइप और राइट इंटू टू टाइप एंड इसके अंदर ही ये लाइक like, और uh, मतलब कॉपिक एबिलिटी को चार में क्लासीफाई किया गया है राइट right? तो जो मेन है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे फिर वो जो चार है हम लोग उसको मतलब उसमें भी डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले है सिडलिंग कॉपिक okay? सिडलिंग कॉपिक या फिर लाइक इवन सैम्पलिंग आल्सो यू कैन से लाइक इफ नॉट सिडलिंग आल्सो या सैम्पलिंग के सैम्पलिंग तो ये जो है लाइक आई आई होप यू रिमेंबर आपको याद होगा शुरुआत में जब हम लोगों ने शुरू लाइक शुरू किया था ये क्लास सो ये कॉपिक का एग्जाम्पल मैंने दिया था एक आ, वीडियो में और आई होप आई डोंट नो आपको याद होगा कि नहीं इफ़ यू डोंट रिमेम्बर यू कैन जस्ट चेक आप चेक कर सकते हो वीडियो को सो so, सो so, सिडलिंग में जो सिडलिंग है ओके okay, ये सिडलिंग कॉपिक ये ज़्यादा सिडलिंग में ही होता है ओके सिडलिंग आई होप यू स्टिल रिमेम्बर कि सिडलिंग क्या है या सैपलिंग क्या है राइट right? जब ग्रोथ होता है प्लांट का वन सकैन आई जस्ट रिमाइंड जब ग्रोथ होता है प्लांट का व्हेन इट रीच टू वन मीटर फिर वो आपका सिडलिंग हो गया ओके इट विल बी अ सिडलिंग इवन सैपलिंग ऑल्सो सो ये जब ग्रो होता है जब ये सिडलिंग हो जाता है उसको आप बेस से काटो ओके okay? जस्ट जो uh, उस मतलब ये मेन ब्रांच हो गया ओके लाइक यू कैन सी ही आप ये पहला जो पिक्चर है ऊपर में आप देख सकते हो अब ये सोचो कि ये आपका सिडलिंग है ठीक है जस्ट थिंक दैट दिस इज योर सिडलिंग उसके बाद आप इसको बेस से काटते हो फिर उसके बाद इस पर मल्टीपल मल्टीपल शूट ग्रो होते हैं के मल्टीपल ब्रांचेस मल्टीपल लाइक ग्रो होता है ओके okay. सो so, क्योंकि यहाँ से फिर बर्थस uh, रिप्रोड्यूस होता है फिर बर्थ से फिर ये रिप्रोड्यूस होता है लाइक इट ग्रोस और फिर ये मल्टीपल शुरू हो जाता है ये मेथड बहुत कॉमन है नेचुरल फॉरेस्ट में के इज़ वेरी कॉमन इन नेचुरल फॉरेस्ट और ये जो सिडलिंग uh, कॉपिक है ये करंटली यूज लाइक ये मतलब uh, इट इज़ करनली यूज इन वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन में इसका बहुत उपयोग होता है ये जो प्रोसेस है ओके सो या सो इट इज यूज राइट सो ये भी मतलब इट इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल कॉपिक दैट इज सिडलिंग कॉपिक नाउ विल कम टू द नेक्स्ट दैट इज स्टूल कॉपिक सो पहले हम लोगों ने सिडलिंग कॉपी के बारे में डिस्कस किया जहाँ पर जो सिडलिंग है जो आपका मतलब प्लान है वो सिडलिंग से ही आप कॉपी करते हो बेस से काटते हो स्टूल कॉपी क्या है ये आ, मतलब इट्स व्हाट आल से जो पेड़ है राइट right? जो पेड़ है जो पंद्रह सेंटीमीटर हाइट है उसका उसको आप काटो ओके यू कट इट यू कट इट आफ्ट डैट वेन यू कट इट राइट यू कट यू कट द कट पोर्शन ऑफ द शूट ओके जो कट पोर्शन है जैसे कि यहाँ पर दूसरा पिक्चर आप देख सकते हो लाइक यहाँ से लाइक हाउ हाउ रिप्रोड्यूस कैसे रिप्रोड्यूस होता है ओके सो दोर्शन ऑफ द इसको मतलब स्टूल बोला जाता है बिकॉज इट इज़ लाइक द शेप एंड ऑल ना जो इसका शेप है सो इट्स कॉल स्टूल सो यहाँ से फिर रिप्रोड्यूस होता है ओके लाइक बट्स और यहाँ से फिर मल्टीपल uh, शूट निकलते हैं राइट सो दैट इज ओनली डिफरेंट ये बस uh, मतलब इट्स ऑलमोस्ट कॉमन ये मोस्टली कॉमन ही है ओके okay? लेकिन जो पहला है सिडलिंग बस मतलब आप बस ये लाइक टू मेक इट इजी इजी करने के लिए आप ये सोचो कि सिडलिंग छोटे हाइट वाले प्लांट के लिए है जो वन मीटर के हैं और स्टूल कॉपिक पेर के लिए okay? 15 है ओके जो पंद्रह सेंटीमीटर हाइट है राइट सो जस्ट थिंग लाइक दैट देन यू विल अंडरस्टैंड समझ जाओगे फिर और यहाँ से मतलब ज्यादा मतलब मल्टीपल लाइक दो से तीन निकलते हैं लाइक जो आ, न, ये है मतलब जो रीजेनरेट होता है प्लान वहाँ से राइट right, दो से तीन ब्रांचेस निकलते हैं ओके okay? और ये फिर ग्रो करता है और फिर मेचर्ड मेचर्ड हो जाता है फिर पेड़ बन जाता है फिर से इट बिकम अ ट्री अगेन ओके फिर से फिर आप कट करो फिर से आप मतलब ऐसे ही लाइक यू कट इट अगेन देन यू सी लाइक कट फ्रॉम द बेस फिर से फिर वहां से रीजनरेट होता है सो so ये जो प्रोसेस है जो स्टूल कॉपिक है ये भी एक मतलब डिफ्रेंस uh, है सिडलिंग से स्टूल कॉपिक में ये प्रोसेस जो है ओके आप रिपीट कर सकते हो राइट यू कैन रिपीट इट राइट सो स्टूल कॉपिक इज रिपीटेड प्रोसेस ओके जो स्टूल कॉपिक प्रोसेस है वो रिपीटेड प्रोसेस है जैसे काटते हो फिर निकलता है फिर पेड़ बन जाता है फिर काटते हो फिर निकलता है राइट सो दैट इज रिपीटेड ओके एंड देन नव डेज अभी तो ऑब्वियसली आप लोगों को मतलब नाउ डेज लोग क्या करते हैं जो फॉरेस्ट का देखभाल करते हैं या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोग क्या करते हैं वो मैनेज करते हैं फर्टिगेशन के द्वारा ओके आई होप यू नो वट इज फर्टिगेशन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इफ यू डोंट नो सो जस्ट लेट मी नो ओके सो so, ये मैनेज होता है बाय डूइंग फर्टिगेशन फर्टिगेशन के द्वारा मैनेज होता है ओके आर्टिफिशियली मैनेज होता है ताकि उसका अच्छा ग्रोथ हो जो आपका कॉपिक ये शूट है ओके सो यह और इसका भी मतलब ये जो स्टूल कॉपिक है इस पेड़ में ज़्यादा ये मतलब प्रैक्टिस होता है यूकलिप्टस ओके okay? और इसमें भी मतलब तीन रोटेशन होता है ओके okay, तीन रोटेशन मतलब पहला हार्वेस्ट दूसरा हार्वेस्ट तीसरा हार्वेस्ट ओके आई होप यू अंडरस्टैंड लाइक तीन बार आप मतलब रि रिपीट कर सकते हो बाय कटिंग इट अगेन कट करके जो जो पेड़ आपने काट दिया है आप उसको यूज करोगे फिर उसके बाद जो पेन निकलेगा फिर उसको फिर से हार्वेस्ट करोगे राइट right? जब मेचर्ड होगा तब राइट आई होप यू रिमेंबर जो रोटेशन मैंने डेफिनेशन दिया था सो यू कैन लिप्ट ये मतलब आ, एक एग्जाम्पल है सक्सेसफुल स्टूल कॉपिक के लिए ओके okay? और ये तीन रोटेशन तक आ, आप मतलब कॉपिक कर सकते हो ओके okay? और इवन दिस वन मेलिया दुबिया मेलिया दुबिया ये भी एक आ, ये मतलब मैंने साइंटिफिक नाम लिया है सो so, ये भी मतलब कॉपिक कर सकते हो डो रोटेसन टू रोटेशन सो दो, so, दो बार कर सकते हो ओके okay? सो so, फ्राम हियर यू अंडरस्टैंड कि मतलब ऐसा नहीं है कि सब पे प्रैक्टिस होता है कुछ कुछ पेयर है जो सक्सेसफुल होता है जैसे कि यूकलिप्टस मैंने बोल दिया ठीक है सो या सो दिस वॉज अबाउट सिडलिंग कॉपिक एंड स्टूल कॉपिक आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हीयर सो जो बाकी uh, चार ओके okay, या uh, yeah, uh, जो बेस्ड ऑन द कॉपिंग एबिलिटी है के जो ट्री स्पीशीज़ है उसको क्लासिफाई किया गया है चार में सो so, वो हम लोग डिस्कस करेंगे राइट इन द नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन थैंक यू आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर अगर कुछ भी कन्फ्यूजन uh, है या फिर डाउट है ओके okay, uh, आज के वीडियो को लेके सो यू कैन जस्ट लेट मी नो सो टिल देन थैंक यू